पता नहीं ये लड़की शूटिंग करने जाती है या मिट्टी में खेलने जाती है। इतने गंदे कपड़े तो बच्चों के भी नहीं होते। क्या देख क्या रहा है? मैं डांस नहीं कर रहा हूँ, कपड़े सुखा रहा हूँ। तुम क्यों पूछ रहे हो? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि जिसके लिए तुम अपने चश्मे के पीछे से टांका झांकी कर रहे हो ना, वो तुम्हें देखने में, तुम्हें मिलने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है, समझे? क्यों? क्योंकि शी हेट्स यू। उसको ऐसे लोग अच्छे नहीं लगते जो पड़ोसियों के घर बालकनी में से झांके, समझे? या तो किससे बातें कर रहे हो ढीलू? सुबह सुबह देखो ना, सुबह सुबह संडे वाले दिन भी ड्यूटी पे आ गए हैं साहब। हेलो केशव जी, हाउ आर यू? Hi, how are you? I'm fine. ढीलू, आजकल आप बालकनी में आते ही नहीं हैं। अब अरे ये तो हद हो गई। मैं भी उसको बोल रहा था कि तुम उसको देखने में मिलने में इंटरेस्टेड नहीं हो और तुम उसके साथ हाय हेलो कर रही हो, उसके साथ फ्री हो रही हो। So what? I am not your wife. But you are staying here. You are my responsibility. Come on, get inside. Please, चलो अंदर ना। He is not the right man for you. ये ज़बान खींच लूँगा। देखो तुम समझते नहीं हो। क्या है? वो आदमी के है। मालूम है केशव कुलकर्णी। नहीं नहीं, वो कुत्ता कमीना है। अब मुझे समझ में आया, तुम केशव जी से जलते हो। जलता हूँ मैं उससे? अरे जले मेरी ज्योति, मैं तो उससे कई गुना हैंडसम हूँ। जो और नहीं तो क्या, अगर तुम कई गुना हैंडसम होते तो कोकी जी के सामने तुम्हारी दाल नहीं गलती। अरे दाल तो मैं गला दूं एक मिनट में, करना क्या है, कुकर में डाल के दो सीटी देनी है और क्या। लेकिन डरता हूँ कहीं कुछ हो गया तो मालूम पड़ा केकड़ा अपने ही फ्लैट में अपने ही पंखे से लटकता हुआ पाया गया। लगेशर क्या मतलब? देखो अगर तुम केशव जी का पत्ता कट करके कोकी जी के घर में एक रात ठहर जाओगे तो मैं तुम्हें 10,000 रुपए दूंगी। 10,000? हाँ, लेकिन ये काम 7 दिन के अंदर होना चाहिए। यानी कि आज संडे है, अगले संडे तक? यस। ओके, डन डन डन। अलर्ट निरंजन, अलर्ट निरंजन, माँ तेरी गड्डी तो पियो तेरा इंजन। आप कौन है, आपको क्या चाहिए? हमारा नाम है चेरूलाल पैण जी। माफ करना देवी जी, हम आदमियों का चेहरा देख के उनका भविष्य बताते हैं। देखिए चेरूलाल जी, आप प्लीज चले जाइए, क्योंकि मेरे पति को ऐसे चेहरों से सख्त नफरत है। हाँ, उनको तो आपके चेहरे से भी नफरत है। आइए 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 बैठिए। अब बताइए मेरा चेहरा देखकर। चेहरा और करीब लाइए। नहीं, यही से ठीक है। कोई बात नहीं, हम करीब से देखते हैं। देखिए क्या है देवी जी, आप एक बहुत ही शरीफ, अच्छी और पोली पाली औरत हैं, लेकिन आपका जो पति है वो एक नंबर का लफंगा है, लुच्चा है और टुच्चा है। इतनी सुंदर बीवी होने के बावजूद भी वो बेवकूफ यहाँ वहाँ अगल बगल के फ्लैटों में चाटियां मारता है। चाटियां? यानी कि चाटता है, देखता है। हाँ, यू मीन इधर उधर देखता रहता है। जी 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 जी। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही करता है। लेकिन इसके लिए कोई इलाज? इसका एक ही इलाज है, लात मारो, घर से बाहर निकालो। लात मार के तो मैं तुझे घर से बाहर निकालूंगा। वो एक अच्छे फेस रीडर है। अच्छा, तू फेस रीडर है? आहो, तू फेस रीडर है तो मेरा फेस देखकर बता मेरा भविष्य क्या है। तो अपना फेस करीब लाओ। ले, इतना नहीं, बात सारी है। बता। देखो पैंट जी, माफ करना देवी जी, अगर अगले 7 दिन के अंदर इस आदमी ने इस घर के अंदर एक कदम भी रखा तो आपके बच्चे को जान का खतरा है। चिंटू को? आहो, तुम सुन रहे हो केशव? 7 दिन तुम्हें घर से बाहर रहना होगा। हाँ, तुम्हें बाहर रहना होगा। अरे खतरा तो इसकी जान को है। कोकी, गजब हो गया। क्या हुआ? मैं चिंटू को बाजार लेके गई थी ना, तो मैं भीड़ में वो कहीं खो गया। इतना बड़ा चिंटू खो गया? तू वहाँ क्या कर रही थी गंगा? बैठ जी, मैंने अभी यही भविष्यवाणी की थी, देखो सच हो गया। अबे भविष्यवाणी के बच्चे, उसको छोड़ो, पहले जाकर चिंटू को तलाश कर। अबे ओ पूंड, पहले जाके बच्चे को ढूंढ, निकल जा, खेती कर। भोंदू चंद कहीं का? मम्मी मम्मी, चिंटू तुम आ गए। वेख्या पैंट जी, माफ करना, वेख्या पैंट जी, जैसे इनके पति ने घर के बाहर कदम रखा, बच्चा घर में आ गया। चिंटू, चिंटू तुम कहीं खो गए थे? नहीं मम्मी, मैं गंगा मौसी का हाल समझकर किसी और के साथ चला गया। केशु केशु, तुम्हें इनका कहना मानना पड़ेगा, 7 दिन तुम्हें घर के बाहर जाना होगा। आहो,
बकवास, एकदम बकवास। नहीं गोखले, मैं सच कह रहा हूँ, वो बड़ा पावरफुल ज्योतिषी है। उसने मुझे कहा, केशव कुलकर्णी, अगर तुम घर से बाहर कदम नहीं रखोगे तो तुम्हारा चिंटू खो जाएगा। और थोड़ी देर में गंगा मौसी खबर लेकर आई कि तुम्हारा चिंटू भीड़ में खो गया। अरे भीड़ में तो मैं भी खो जाता हूँ, तुम चिंटू की क्या बात कर रहे हो? आगे तो सुन गोखले, जैसे ही मैंने चिंटू को ढूंढने के लिए घर से बाहर कदम रखा और चिंटू वापस आ गया। इत्तेफाक, सिर्फ इत्तेफाक। अरे काहे का इत्तेफाक? मानो केशव, अगर कोई ज्योतिषी तुमसे आकर कहे कि तुम्हारे पीछे शर्मा साहब आकर खड़े हो जाएंगे और वो आ गए, तो तुम क्या कहोगे? शर्मा का नाम मत ले गोखले, शर्मा का नाम मत ले। केशव, तू जानता है उसका नाम सुनते ही मेरे पेट में दर्द होने लगता है, मुझे डिसेंट्री हो जाती है। केशव, अपने बॉस के बारे में ऐसा नहीं कहते। अरे तू ही तो हमेशा कहता रहता है कि हमारा शर्मा अव्वल दर्जे का बेवकूफ, नादान और चक्रम है। केशव, हम इत्तेफाक की बात कर रहे थे। इत्तेफाक तो तब होगा जब मैं उस टकलू शर्मा को इडियट कहूंगा और वो मेरे पीछे खड़ा होगा। कोकिला, उठो, मेरे लिए चाय लाओ। तुम अंदर आ भी गए ना केशव? क्या है, तुमने ज्योतिषी की बात नहीं मानी? कोकिला, वो ज्योतिषी बकवास है, मुझे उस पर भरोसा नहीं है। ऐसा मत कहो केशव, गंगा मौसी कहती है कि उस ज्योतिषी की हर बात सच निकलती। तो वो ज्योतिषी गंगा मौसी का चेहरा क्यों नहीं पढ़ता? उसने पढ़ लिया गंगा मौसी का चेहरा, और उसी ने कहा कि गंगा मौसी के बदन पर आज कोई कैंची चलाएगा। फिर क्या हुआ, क्या हुआ कोकी? दोपहर को गंगा मौसी की बहू ने उसके बाल काट दिए। एक काम करना कोकी, मेरी ओर से गंगा मौसी की बहू को ये तोहफा दे देना। तोहफा? क्योंकि मैं जो काम करना चाहता था वो उसकी बहू ने कर दिखाया। कहीं इस मजाक में उसकी भविष्यवाणी अपने चिंटू के बारे में सच न हो जाए। चिंटू कहाँ है? दोस्तों के साथ तैरने गया है। ओह नो। कोकी। ए भूतनी, तू कौन है? समझ गया, ये तो गंगा है। गंगा मौसी, क्या हुआ, तुम इतनी घबराए हुए क्यों लग रही हो? कोकी, गजब हो गया। क्या हुआ? गंगा, तू जब भी एंट्री लेती है गजब ही हो जाता है। क्या हुआ, क्या? कोकी, तुम्हारा चिंटू। क्या हुआ चिंटू को? चिंटू स्विमिंग पूल में डूब गया। नहीं, कोकी, ये क्या कह रही है? क्या हुआ गंगा मौसी, साफ साफ बताओ। कोकी, मोहल्ले के तीन बच्चे तैरने गए थे, उनमें से सिर्फ दो ही वापस आए। चिंटू, ये क्या हुआ? स्विमिंग कोच बलवीर सिंह उसे ढूंढने की कोशिश कर रहा है। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। नहीं कोकी, तुम घर के अंदर आ गए और वहाँ चिंटू मेरे डूब गया। कोकी, तुम रो मत, मैं अभी जाके देखता हूँ। चिंटू, गंगा मौसी कह रही थी कि तुम डूब गए थे और तुम्हारे स्विमिंग कोच तुम्हें ढूंढ रहे थे। नहीं मम्मी, एक्चुअली क्या हुआ, स्विमिंग कोच डूब गया था और मैं उसे ढूंढ रहा था। हाँ, उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। अच्छा। ए, तेरे को आज कुछ नहीं मिला क्या? क्या यानी, किसी ने भीख नहीं दिया? भीख? नहीं, वो क्या है, आज मेरा पहला दिन। अच्छा अच्छा अच्छा, वाह, नया पैंट, नई शर्ट, नए जूते। अरे एक काम कर, कल से है ना सब फटे पुराने जूना पहन के लाना। क्यों? अरे ये कपड़े में तो ऐसा लग रहा है जैसे तू किसी बैंक में लोन की भीख मांगने को जा रहा है। तेरा हाथ दिखा, हाथ हाथ दिखा, ये पैर दिखा, अब एक काम कर, हाथ दिखा, अबे चश्मा उतार। अरे चिल्लाता क्यों यार? चश्मा उतार, नहीं तेरे को भीख नहीं मिल सकती। क्यों? तू भूखा मर जाएगा, तेरे को भीख नहीं मिलेगा, तेरा हाथ तो अच्छा है। देख, भीख मांगने के लिए ना एक आंख को फोड़ डाल, एक हाथ को तोड़ डाल, एक पैर को काट डाल। अपने पास एक कटर है, पहचान करा के दूं क्या? नहीं, ठीक है, सब ठीक है। आ गया। खाना। थैंक यू बेटे, एक काम कर, तू भी यहाँ बैठ के खाना खा ले। ठीक, मैं यहाँ बैठ कर खाना क्यों खाऊं?
मैं तो डाइनिंग टेबल पे खाऊंगा। वाह 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 वाह, क्या किस्मत वाला है, आज भीख मांगने का इसका पहला दिन है, लेकिन ऐसा इतनी अच्छी कटोरी में उसको खाना मिला। ए भाई तू है ना इधर अकेला अकेला नहीं खा सकता है। क्यों, यहाँ का उसूल है सब है ना मिल बांट के खाना खाने का। हाँ तो चलो खाओ। ठीक है खा लो। भाई ये खाना बासी तो है ना? नहीं नहीं नहीं, ये तो घर का ताजा खाना है। इसीलिए पेट में दर्द होने लगा। ताजा खाने की आदत नहीं है ना। ए भाई मैं जाता हूँ। कहाँ? चलो चलो एक काम करते हैं, अपुन है ना डॉक्टर के पास जाके है ना दवा की भीख मांगते हैं। चलो गुलकाने, कहाँ गया? कपड़े उतार कर। गोखले, गोखले। यस सर। ये कुलकर्णी का कौन सा नया नाटक है? क्या हुआ सर? कपड़े आप इतने उतार के गया था क्या कल? नहीं, कल उसके बदन पर कपड़े थे सर। ये किसके है? तो उसी के। वो गया कहाँ पर? ओम कृष्णा ओम कृष्णा। कुलकर्णी क्या बेहुदा नाटक है? क्यों, क्या हुआ सर? आप भी बना रहे हो? नहीं सर, वो क्या बात है, कल रात को मैं फुटपाथ पर सोया था। What? मैं आपको समझाता हूँ सर। कुलकर्णी तुम जैसा बेशर्म आदमी मैंने आज तक दुनिया में नहीं देखा। तुम ऑफिस में नहा रहे हो? एक्सक्यूज मी सर, मैं ऑफिस में नहीं टॉयलेट में नहा रहा था। तुम्हारे घर का नल म्युनिसिपैलिटी ने कट कर दिया है। सर मैंने आपसे एक बार तो कहा कल रात को मैं फुटपाथ पर सोया था। तुम वहीं पर सोने लायक हो। सर आप उसकी बात तो सुन लीजिए सर। चुप, तुम भी इसी के भाई हो, तुम भी वहीं जाकर के सो। लेकिन सर देखो ये बेहुदा नाटक मैं ऑफिस में नहीं होने दूंगा। शर्म नहीं आती कुलकर्णी कि तुम लड़कियों के सामने एक ताबे लपेट के घूम रहे हो? लेकिन सर आपको इतना जल्दी आने के लिए किसने कहा था? मैं तुझे डिसमिस कर दूंगा कुलकर्णी, समझा? थर्ड क्लास आदमी। ओके सर। एक्सक्यूज मी, आपका नैपकिन सर। नैपकिन? ओ थैंक यू थैंक यू, ये टॉवल बाद में भेज दूंगा। थीलू क्या है? 10,000 रुपए तैयार रखना। क्यों? क्योंकि तुम्हारा कुकर फ्लॉप हो गया, तुम्हारी दाल नहीं गली। लेकिन अभी मैंने सीटी बजाई कहाँ है? तो जल्दी से बजा लो, आज संडे है, तुम्हारा टाइम अप हो रहा है। डोंट वरी, आज रात बाकी है ना, देख लेना आज रात को मैं उनके घर में घुस के रह के दिखाऊंगा। ओके? ओके और सुबह तक तुम 10,000 तैयार रखना। लगता है कोके किचन में, मैं बेडरूम में जाके चुपचाप सो जाता हूँ। बहुत थक गया हूँ, बहुत थक गया हूँ। कहीं कोकी देख तो नहीं लेगी? आइडिया, अब नहीं देखेगी। वापस अंदर आ गए? अरे लेकिन 7 दिन तो पूरे हो गए। 7 दिन कल सुबह पूरे हो रहे। क्या हुआ, गजब हो गया? देखा, चिंटू को किसी बदमाश ने किडनैप कर लिया। अरे हर वक्त ऐसी खबरें तुम ही क्यों लाती होगा? और इतने बड़े चिंटू के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? हेलो हेलो चिंटू की माँ, हमने तुम्हारे बच्चे को किडनैप कर लिया है। क्या? मम्मी चिंटू सुना? हेलो। अबे ओ कुलकर्णी के बच्चे, हमने तुम्हारे बच्चे को किडनैप कर लिया है। डैडी चिंटू सुना, जल्दी से 1,00,000 रुपया अपने घर के सामने वाले पेड़ के नीचे लाकर दफन कर दे, वरना हम तेरे बच्चे को किसी कुएं में फेंक देंगे। लेकिन मेरे बेटे को फेंकने के लिए कुआं नहीं चलेगा, उसको फेंकने के लिए तो तालाब खोदना पड़ेगा। हेलो हेलो, कमाल का आदमी, ला मेरा कमीशन। ये लो बस इतनी सी, बाकी काम हो जाने के बाद दूंगा यार। लेकिन मेरी बात तो सुनो कोकी, मेरी बात सुनो। मम्मी चिंटू तुम आ गए। देखा किशु, देखा तुम बाहर निकले और मेरा चिंटू आ गया। तुम कहाँ थे चिंटू? मम्मी पता है एक गुंडे ने ना मुझे किडनैप कर लिया था, बिल्डिंग के सीढ़ियों पर। जाओ जाओ, चलो बेटे अंदर चलो। सीढ़ी पर? सीढ़ी पर
यानी कि चिंटू को तुम्हारे मकान के सीढ़ी पर किडनैप किया गया था। हाँ गोखले हाँ, और जैसे ही मैंने घर से बाहर कदम रखा चिंटू वापस आ गया। इसका मतलब हमेशा की तरह तुझे कोई बेवकूफ बना रहा है। लेकिन गोखले मुझे बेवकूफ बनाने की जरूरत क्या है। यह भी सच है यार। फिर भी किसी किसी को मजा आता है गंगा मौसी। अरे चल बेवकूफ गंगा में इतनी अकल कहाँ। उसके पीछे कोई दूसरा दिमाग है। ओ अब समझा, पीछे दूसरा दिमाग। अरे लेकिन गोखले दो दिमाग कैसे हो सकते। अरे पागल, किसी और का दिमाग। किसी और का दिमाग? किसका दिमाग बता गोखले, किसका दिमाग? केशव। किसका दिमाग बता गोखले बता। केशव ये तो गंगा मौसी ही बता सकती है। गया कोई बात नहीं गंगा, मैं आ रहा हूँ। केशव मैं जा रहा हूँ। कैसे जाएगा गोखले, तू भी मेरे साथ चलेगा? बोल अरे गंगा हम आ रहे हैं। आई रे झूलगा के नाच रे, आई रे झूलगा के नाच रे। गोखले देखा बाल को देख। गंगा ये तेरे बाल इतने लंबे कैसे हो गए? कौन सी गैंग के लिए तू काम कर रही है? कौन से गिरोह की मेंबर है तू बता? दिलरुबा। कैसे? वो ऐसे कि दिलरुबा ने कहा कि मैं ज्योतिषी बन जाता हूँ और तुम मेरा भविष्य सच करके दिखलाना, और बदले में वो मुझे बदले में वो तुझे क्या देगा बताओ? फिल्म की हीरोइन बनाने वाला था। गोखले ये दिलरुबा का बच्चा पूरी फिल्म इंडस्ट्री को बंद करवाएगा, इसलिए तू यहाँ नाच रही थी? रिहर्सल। अच्छा ये बता दिलरुबा का बच्चा ऐसा क्यों कर रहा है बताओ? वो आज रात तुम्हारे घर मेहमान बन के जाने वाला है। समझ गया केशव समझ गया। तू समझ गया गोखले? हाँ। अब मुझे समझा। मुझे भी। दिलरुबा का बच्चा तुम्हारी गैर हाजिरी का फायदा उठाना चाहता है। आज वो मेरे घर पर कितने बजे जाने वाला है बता? रात को 10 बजे। रात को 10 बजे? हाँ गोखले। क्या करें? मैं भी दिलरुबा की गैरहाजिरी का फायदा आज रात को 10 बजे उठाऊंगा। ओके ओके। ये गंगा इसको बंद कैसे करते हैं? एक मिनट। अरे वाह गोखले अब तू मर। एक मिनट। अरे गंगा तू तो एक्सपीरियंस है, तुम्हारे गिरोह में शामिल हो जाएगी क्या? एक मिनट। हम थ्री टू सेवन फोर। हेलो सपना, हम तुम्हें उठा कर ले जाएंगे। कौन बोल रहा है? दिलरुबा घर पर नहीं है, मौका अच्छा है। हेलो। हाँ हम मशहूर किडनैपर बोल रहे हैं। बोलिए माखनलाल जी। कौन माखनलाल? क्यों मजाक कर रहे हैं, मैं जानती हूँ आप मेरी नई फिल्म के प्रोड्यूसर बोल रहे हैं। मैं प्रोड्यूसर नहीं। मैं मशहूर किडनैपर बोल रहा हूँ। अच्छा बोलिए तो सही, क्या बात है? सपना हम तुम्हें उठा कर ले जाएंगे। रियली? कितने बजे आ रहे हैं बताइए तो। डर गया? इसे डराना मुश्किल है, तो अब क्या करें? दिलरुबा जी और इतनी रात गए? कोकी जी आज की रात मैं आपके यहाँ मेहमान बन के आया हूँ। बिन बुलाया मेहमान? नहीं दरअसल बात यह है कि मेरा सपना के साथ झगड़ा हो गया है। अच्छा इसलिए अब हम दोनों में झगड़ा कराने आए हो? सिर्फ आज रात की प्रॉब्लम है, प्लीज हेल्प मी आउट। ओके ओके मैं कुछ अरेंजमेंट करती हूँ। थैंक यू। एक मिनट में आप भी आइए। थैंक यू। काम बन गया मैं जीत गया 10,000। ये लीजिए आपके लिए तकिया। ये? हाँ। इतना छोटा तकिया और ये सराहना है? हाँ। ये चिंटू का है। चिंटू का? हाँ। चिंटू की तो एक टांग भी इस पे फिट नहीं आएगी। आपका नहीं है जी? चिंटू जब 2 महीने का था ना तो केशव उसके लिए लेकर आया था। अच्छा ठीक है मैं किसी तरह काम चला लूंगा। कहाँ बिछाऊं? कॉरिडोर में। कॉरिडोर में?
कोकी जी, आजकल इलाके में कितनी चोरियां हो रही है, मुझे अकेले डर लगता है। अच्छा, तो फिर आप फुटपाथ पे जाके सोइए, आपको वहाँ कोई ना कोई कंपनी जरूर मिलेगी। गुड नाइट। फुट गुड नाइट जी। फुट 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 कोई नया भिखारी लगता है। भिखारियों के अच्छे दिन आए लगता है। लेकिन ऐसा लाल लाल जा भिखारी पहली बार देखा। फाइव स्टार होटल के सामने भीख मांगता होगा। इधर इधर नहीं सोने का। क्यों भाई? अरे कमाल है, तेरे बदन पे इतने अच्छे कपड़े हैं, पुलिस वाले को यकीन नहीं आएगा तू भिखारी है करके। लेकिन मैं भिखारी नहीं हूँ। तो तू भिखारी नहीं है तो कौन है? फुटपाथ पे सोने को क्यों आया? बीवी ने घर से निकाल दिया क्या? नहीं तो पड़ोसन ने घर से निकाल दिया है। ए, पड़ोसन ने कोई लपड़ा लगता है? ए, लेकिन भाड़ा देना पड़ेगा तुझे। किस बात का भाड़ा? अरे यहाँ सोने का भाड़ा देना पड़ता है। कितना भाड़ा? एक रात का 10 रुपया। 10 रुपया चलेगा। ला ये लो 10 तुम रखो। ये लो 10 तुम। अभी बस सुबह तक गुड नाइट। ये 5 रुपए और रखो, रात भर उससे मेरे को पंखा करना, गर्मी लगती है रात भर। हाँ रात भर क्या, सुबह तक करता है। तुम शर्त हार गई, मैं जीत गया। तुम हार गई, मैं जीत गया। क्या मतलब? मतलब ये कि मैंने कल रात बिता दी कोकी जी के घर में। क्या बात कर रहे हो? हाँ, और वो भी उनके बेडरूम में। निकालो 10,000 रुपए। नहीं, मैं नहीं मानती। आओ भाई आओ। साथ? हाँ? आप कल रात को भिखारियों के साथ फुटपाथ पर क्यों सोए थे? चल तू निकल। या डार्लिंग, कहाँ जा रहे हो? मैं इसको उबाल के बेडरूम में जाके सोऊंगा। बेडरूम में मत जाना। क्यों? वहाँ केशव जी सोए हुए हैं। क्या?